हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश सर आज आपके सामने फिर से हाजिर हो गया आज के नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है वृत्त के गुण। ठीक है, तो अभी वृत्त के क्या गुण होंगे, उसमें कौन सी चीजें होंगी, वो किससे मिलकर बनेगा और उसकी परिभाषा क्या होंगी और किस चीज को या किस भाग को उसके वृत्त के किस भाग को क्या कहेंगे, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे वृत्त के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, वृत्त से संबंधित शब्दावलियां। ठीक है, अब वृत्त तो आप जानते हैं, वृत्त किसे कहेंगे, गोल, है ना। वृत्त की परिभाषा नॉर्मली हम क्या लिखेंगे, है ना, बिंदु के चारों ओर चारों दिशाओं में खींची गई एक रेखा या घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो दिया है ये वो है, वो बिंदु क्या है, सेंटर में है और इसके आजू बाजू एक लाइन, उसके वृत्त इस बिंदु के परिवृत्त है ना, उसके आजू बाजू हर चारों दिशाओं में जो रेखा खींची गई है उससे मिलकर क्या बना है, वृत्त। अब वृत्त से हम क्या क्या चीजें और निकाल सकते हैं या वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है उसके बारे में दिया है। तो सबसे पहले वृत्त से संबंधित शब्दावली, हम वृत्त में कौन से भाग होंगे, उसको क्या कहेंगे, उससे कैसे नामांकित करेंगे, इसके बारे में दिया है। तो सबसे पहले हम उसको जान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वृत्त का क्या होता है, ये केंद्र यहाँ पे लिखा है ओ, जिसको हमने क्या नाम दिया है, ओ को क्या कहेंगे, केंद्र, है ना। केंद्र मतलब सेंटर, सेंटर है, बीच में है, इसलिए इसको सेंटर कहेंगे या केंद्र कहेंगे। अब यहाँ पे अब केंद्र की परिभाषा भी होंगी, उसको केंद्र क्यों कहेंगे, उसकी परिभाषा मैं अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में बना के दूंगा। अभी तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसे क्या कहते हैं, ये जो दिए है, ये आकृति बनाई हुई है, बीच में रेखाएं खींची गई है, अलग अलग भाग किए गए हैं वृत्त के, तो इसको सबसे पहले क्या कहेंगे, उसके नाम क्या होगा, ये जानना जरूरी है। उसके बाद उसको क्यों कहते हैं, ये उसका नाम क्यों पड़ा है, इसकी परिभाषा हम सीखेंगे। तो सबसे पहले केंद्र, केंद्र को हम बीच में रखे हुए हैं तो उसको केंद्र ओ नाम से जानेंगे। ठीक है, फिर ए बी, तो चित्र में देखो ए बी कैसा है, वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, ये पूरा वृत्त को स्पर्श कर रहा है दोनों ओर से, तो उसको बोलेंगे व्यास, डायामीटर। ठीक है, ए बी क्या हो गया, इसमें व्यास हो गया, डायामीटर। फिर है ओ बी, अगर वो केंद्र से लेकर एक साइड में जो आधा भाग है, ठीक है, यहाँ से आकर ओ बी, ये क्या कहलाएगा, ओ बी त्रिज्या, इसको बोलेंगे रेडियस, रेडियस कहा जाएंगे इसको, ओ बी को। ठीक है, तो इस प्रकार ये ओ बी एक त्रिज्या हो गई, तो इधर ओ ए भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है, फिर है सी डी, सी डी किसे कहा है, सी डी यह सी डी, ये हुआ सी डी, इसको क्या कहेंगे, इसको जीवा कहेंगे, जीवा चोड़। ठीक है, सी डी बोले तो जीवा, इसकी भी परिभाषा होंगी, इसको जीवा क्यों कहेंगे। ठीक है, फिर है सी ई डी, कहा है सी ई डी, अब यहाँ पे सी ई डी नाम दिया है तो उसको क्या कहा गया है, यहाँ पे वृत्तखंड, सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो सी ई डी हुआ वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड क्यों है, इसका परिभाषा भी होगा वो अगले वीडियो में बताऊंगा। फिर है ओ एफ एच जी, ओ एफ एच जी, ठीक है, ये इतना हुआ, इतना भाग या इतना क्षेत्र, ओ एफ एच जी, ओ एफ एच जी, ये हो गया त्रिज्या खंड। अब ये त्रिज्या खंड नाम इसका क्यों पड़ा, इसकी भी परिभाषा है ये, तो परिभाषा हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको तो सबसे पहले इसका नामांकन या शब्दावली से वाकिफ होना पड़ेगा, रूबरू होना पड़ेगा, नाम याद रखने पड़ेंगे, उसको अध्ययन करना पड़ेगा, और वृत्त से संबंधित जितनी भी शब्दावली यूज करने वाले हैं उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए हमको ये सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा और आपको भी इसका स्टडी करना पड़ेगा। फिर है त्रिज्याखंड हो गया, इसके बाद है ए सी ई डी बी एच, सॉरी ए सी ई डी बी जी एच एफ ए, कहा है ये ए सी ई डी बी जी एच एफ ए। ठीक है, मतलब ए से स्टार्ट किया उसने, पूरा गोल राउंड लेते हुए फिर ए पे आके समाप्त हो गया, तो ये पूरा क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्र है इसको क्या कहेंगे, परिधि। ठीक है, ये पूरा गोल आपको जो दिख रहा है उसको कहा जाएगा परिधि, सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस की भी एक परिभाषा होगी, उसका नाम क्यों पड़ा सर्कमफेरेंस, इसलिए वो भी हमको पढ़ना पड़ेगा, उसकी भी परिभाषा है वो भी पढ़ेंगे हम। फिर है ए सी ई डी बी ए, तो ए सी ई डी बी ए क्या है, ए सी ई डी बी ए। ठीक है, ये यहाँ से देखो, देखो ए से चालू किया ऐसा या बी पे, फिर यहाँ वापिस आ गए। ठीक है, मतलब
वृत्त को आधा ही कर दिया उसने, आधा खंडित कर दिया, दो भाग कर दिया उसके, तो उसको क्या कहा जाएगा, अर्ध वृत्त, सेमी सर्कल। ठीक है, वृत्त के दो टुकड़े किए गए, उसमें से एक भाग जो बना ए सी ई डी बी ए, मतलब अर्धवृत्त। उसी प्रकार यहाँ से अर्धवृत्त कौन सा होगा, ए एफ एच जी बी ए, ये भी एक क्या होगा, अर्धवृत्त होगा या सेमी सर्कल होगा। फिर है एफ एच जी, कहा है एफ एच जी, तो ये क्या हो गया, चाप, आर्क, है ना। तो चाप की भी परिभाषा होगी, उसको चाप क्यों कहा जाएगा। ठीक है, उसकी परिभाषा होंगी तो आपको अगले टॉपिक में परिभाषा समझाई जाएंगी। आपको सबसे पहले तो इस वीडियो में जो मैंने अभी शब्दावलियाँ बताया है तो वो सबसे पहले याद रखना होगा, क्वेश्चन आएंगे तो हर वृत्त के हर एक भाग से, हर एक शब्द से हम वाकिफ होना जरूरी है, इसलिए आप इसको स्टडी करिए। थैंक यू।